हेलो विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियोज में अपन ने गिरफ्तारी वारंट के बारे में विस्तार से चर्चा की, तो जो इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण की जो गतिविधियाँ है उसकी जो दूसरी तरह की जो कार्रवाई है वो है सर्च वारंट, तलाशी वारंट। तो पहली जो कार्रवाई है वो है गिरफ्तारी करना, दूसरा है तलाशी वारंट जारी करना। अब तलाशी वारंट को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया है, तलाशी का जमान बिना वारंट के तलाशी और वारंट के द्वारा तलाशी। तो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तलाशी वारंट को जो तलाशी ली जाती है, एक तो बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है और एक वारंट के द्वारा तलाशी ली जा सकती है। तो बिना वारंट के जो तलाशी ली जाती है उसको भी अपन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो क्षेत्र अधिकार के भीतर तलाशी और एक क्षेत्र अधिकार के बाहर तलाशी। क्षेत्र अधिकार के भीतर जो तलाशी ली जाती है उसकी जो प्रक्रिया है CRPC सेक्शन 165 के अंतर्गत दी गई है, और क्षेत्र अधिकार के बाहर जो तलाशी ली जाती है उसकी प्रक्रिया CRPC सेक्शन 166 के अंतर्गत दी गई है। तो सबसे पहले अपन आज चर्चा करेंगे क्षेत्र अधिकार के भीतर ली जाने वाली तलाशी सेक्शन 165। तो पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी 165, तो किसी भी अपराध में अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी अगर ये समझता है कि उसके थाने के स्थानीय क्षेत्र अधिकार के भीतर किसी भवन स्थान में अपराध का कोई साक्ष्य सबूत है, तो और उसकी राय यह है कि तलाशी वारंट जारी करवाने में देरी हो सकती है, ऐसी देरी होने के परिणाम स्वरूप अपराधी भाग जाए या अपराध संबंधी साक्ष्य नष्ट कर दिया जावे, तो अपने कारणों को अभिलिखित करते हुए उस स्थान भवन परिसर में प्रवेश कर सकेगा और बिना वारंट तलाशी ले सकेगा, या तो स्वयं तलाशी ले सकता है या वो किसी को अधीनस्थ, मतलब किसी को दूसरे को भी तलाशी के लिए नियुक्त कर सकता है, अपने किसी अधीनस्थ को तलाशी का आदेश दे सकता है। ऐसी तलाशी में धारा 100 में जो दी गई प्रक्रिया है उसके अनुसार ही उसमें तलाशी ली जाएगी, और मजिस्ट्रेट जो संज्ञान लेने में सक्षम है उसको, जो अधिग्रहण की गई वस्तु है उसको अभिलेख की प्रति भेजेगा। उसके बाद में क्षेत्र अधिकार के बाहर तलाशी, तो CRPC सेक्शन 166 के अंतर्गत क्षेत्र अधिकार के बाहर तलाशी की क्या प्रक्रिया है, तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब ऐसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी की अपेक्षा कर सकता है, तो सेक्शन 166 में दी गई है। अगर अपराध में अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी को यह ज्ञात या पता चलता है कि उसके थाने के स्थानीय क्षेत्र अधिकार के बाहर किसी भवन स्थान या परिसर में अपराध का साक्ष्य है, तो ऐसी दशा में अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उस स्थान के पुलिस अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह वहां की तलाशी ले, लेकिन उस स्थान का पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है और तलाशी तत्काल लिया जाना अपेक्षित है, तो ऐसी दशा में कारण अभिलिखित करते हुए अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बिना वारंट तलाशी ले सकता है। अब वारंट के द्वारा तलाशी का मतलब क्या है, तो सक्षम मजिस्ट्रेट को द्वारा जारी किए गए तलाशी वारंट के निष्पादन में तलाशी लिया जाना बिना वारंट के तलाशी कहा जाता है। तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति उन्हीं मजिस्ट्रेटों को दी गई है जिन्हें संहिता के अंतर्गत निर्देशित किया गया है। सामान्य व्यवस्था यह है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट है वो तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है। सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया तलाशी
वारंट का निष्पादन उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर पद से निम्न पंक्ति का कोई भी अधिकारी नहीं होगा। द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी वारंट जारी कर दिया जाता है और एक कांस्टेबल के द्वारा वारंट का निष्पादन किया जाता है और ऐसी तलाशी में अपराध संबंधी साक्ष्य प्राप्त तो होता है तो विचारण के दौरान न्यायालय में पेश किया जाता है तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया जाता है तो क्या अभियुक्त इस आधार पर अपनी दोष सिद्धि को चुनौती दे सकता है कि दोष सिद्धि कानूनी रूप से वैध नहीं है? क्या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि को अपास्त किया जा सकता है? क्या अपीलीय न्यायालय द्वारा इस दोष सिद्धि को अपास्त किया जा सकता है? तो ये अनियमितता का मामला है तो क्या ऐसी अनियमितता के कारण अभियुक्त को दोष सिद्धि को अपास्त किया जा सकता है? नहीं, कारण ये अनियमितताएँ तो है लेकिन ऐसी अनियमितताओं की वजह से किसी कार्रवाई दूषित नहीं होती है। अवैध तरीके से प्राप्त किया गया साक्ष्य स्वयं अवैध नहीं हो जाता है। तो मालकानी वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें अभियुक्त की वार्तालाप को टेलीफोन के खुले तारों से टैप कर दिया गया और उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के सामने पेश किया गया और अभियुक्त तो कहता है कि वह अवैध तरीके से प्राप्त किया गया साक्ष्य है, ग्राही नहीं होता है, ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो आज अपन ने चर्चा की तलाशी वारंट के बारे में। तो तलाशी वारंट का जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी की सेक्शन 166 के अंतर्गत दिया गया है। तो तलाशी दो तरह से ली जा सकती है, एक तो वारंट के बिना तलाशी और एक वारंट के द्वारा तलाशी। तो बिना वारंट के जो तलाशी ली जाती है उसको भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, क्षेत्र अधिकार के भीतर और क्षेत्र अधिकार के बाहर। क्षेत्र अधिकार के भीतर कौन तलाशी ले सकता है, क्षेत्र अधिकार के बाहर कौन तलाशी ले सकता है, इन सब पे अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में अपन तलाशी को ही कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।